हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम भी बिल्कुल ठीक है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज ना मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर सकती अभी। तो फटाफट चलते हैं स्कूल और देखते हैं स्कूल में जा करके क्या क्या होता है, और मिलते हैं उसके बाद आप लोगों से। फ्रेंड्स, फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं घर, और आजकल दीदी और अंजलि आए हुए हैं। तो दीदी लाई हुई है मेरे लिए कुछ कपड़े, मैंने मंगाए हुए थे दीदी से, तो आज मैं उनको ट्राई करने वाली हूं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे लग रहे हैं और कौन सा अच्छा लग रहा है, आप लोग भी बता देना कमेंट करके, फिर मैं उसी को रखूँगी। सो फ्रेंड्स, ड्रेसेस मैंने अपने पे ट्राई कर ली हैं, तो कुछ तो पसंद भी आ गई हैं, फिट भी आ गई हैं, लेकिन कुछ नहीं आई हैं। और चलिए वो सब छोड़िए, अब वैभव बना रहा है नाश्ते में सैंडविचेस। यहाँ उसने ब्रेड साइड में पूरा पैकेट खोल दिया, कई बार समझा रखा है कि ऐसे मत किया कर करके। और ये बन गया है मटेरियल सारा, जिसमें कि उन्होंने कैप्सिकम, अनियन, टमाटो एंड मियोनी और नमक मिर्च सब मिक्स कर दिया है, और अब फटाफट वो हमको खिला रहे हैं सैंडविच। तो फ्रेंड्स, हो चुकी है शाम और अभी मैं और दीदी निकल रहे हैं टहलने के लिए। मैंने कहा दीदी को जरा अपना आसपास का एरिया दिखा देती हूँ, घूम आते हैं। और घर के सामने जो घर बन रहा है उसमें काम शुरू हो चुका है, देखो थोड़ा बहुत काम शुरू हो चुका है, थोड़ा बहुत क्या, अब काम शुरू हो ही चुका है। थोड़े दिनों में ही यहाँ पर आप एक टिच सा घर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, वेदर देखो, वेदर हम आपको रोज़ दिखाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कितनी तेज़ बारिश आएगी, बट ये बादल आते हैं और चले जाते हैं। हम देखिए ना तो दगड़ियों, हम पहुंच गए फाइनली घूमो यहाँ, और दीदी कहीं था तेरू बहुत तो भल लगा, और कैसा लग रहा है दीदी? बहुत अच्छा लग रहा है यार, ऐसे तो हमें अपने बचपन की याद आ रही है कि ग्रीनरी कितनी अच्छी हो रही है। और पता है इस साइड में ना ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, क्योंकि घर में ना हम वाकई में इतना गर्मी से पागल हो गए थे, गर्मी पता नहीं डे बाई डे ज्यादा ही बढ़ रही है। इस साइड को है ठंडा क्योंकि इस साइड को पेड़ वेड़ खेती बाड़ी हो रखी है ना, और पीछे देखो धान के खेत एकदम ग्रीनरी, और यहाँ पे हो रहा है फोटोशूट दीदी का।
सो फ्रेंड्स फाइनली हो चुकी है हमारी वॉक फिनिश। एक्चुअली वॉक फिनिश नहीं हो रखी है, वैभव और अंजलि जाएंगे घर। अंजलि कह रही थी मौसी जब तक आप लोग घूम घाम के आते हो तब तक मैं सब्जी वब्जी खाना वाना बना लेती हूँ। और आज है दोस्तों घी संज्ञान, आज छो घी संक्रांत, हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व है घी संक्रांत। तो आज के दिन में तो घी ही खाते हैं। वैसे तो हम दिन भर में 2-3 बार घी खा ही चुके हैं, घी की रोटी, घी के क्या बनाए थे वैभव, सैंडविचेस। लेकिन अब फाइनली जो बनेगी संक्रांत वो भी घी में बनेगी। तो अंजुल कह रही थी जब तक आप घूम घूम जाओगे तब तक मैं खाना वाना बना के रख दूँगी थोड़ा बहुत। हमने कहा तो अच्छी बात है। दीदी और अंजलि फ़िलहाल वहाँ चले गए हैं, आगे रुके हुए हैं हाईवे के जस्ट पास में, क्योंकि मैंने कहा रोड क्रॉस तब करेगी जब हम वहाँ पे आ जाएंगे, मतलब मैं आ जाऊँगी तो फिर वैभव को लेकर के जाएगी अपने साथ और बनाएगी घर जाके खाना। और मैं और दीदी करेंगे फ़िलहाल यहीं पर घूमेंगे घर के पास में। दोस्तों अब आज है घी संक्रांत, अपने बना के शाम को संज्ञान। और आज ना सारी हेल्प मेरी अंजुल ने की, सब्जी भी उसी ने बनाई अंजलि ने, और आज उसने बनाई है गुड़ की खीर, चीनी की खीर जो जो जी खाते हैं। आज हमने गुड़ की खीर बनाई है, बहुत टेस्टी होती है। तो दोस्तों घूमने के बाद वैभव चला गया था पापा के साथ मंडी और वहाँ से ले आए हैं सब्जी। तो ये लास्ट है सीजन के आम शेखरने का, वैसे तो मिल नहीं रहे थे, थोड़े बहुत मिले तो मैं ले आया। तो दोस्तों अब हम वीडियो करते हैं पेंड। आई होप आप लोगों को आज का छोटा सा वीडियो पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ जाने वालों का सभी साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।